यानी जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बाबा की एंट्री और एग्जिट को लेकर की गई थी, जिस तरीके से पूरे एरिया को बैरिकेड बकायदा एक सुरक्षा के लिहाज से कर दिया गया था, वहीं पर मौजूद सेवादारों का एक और वीडियो सामने आया है। और विपिन, इसी बात का आप जिक्र कर रहे थे कि खुद की एंट्री एग्जिट और अपने सेवादारों और अपने बड़े ओहदे वाले लोगों के लिए बकायदा पूरी व्यवस्था थी, और उसका एक और सबूत क्योंकि यहाँ बाबा के सेवादारों का ये वीडियो अब आपने सामने पहुंचाया। देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं सुरभि, वो वीडियो बताता है कि बाबा की सुरक्षा का घेरा कितना तगड़ा था, कितना मजबूत था। बाबा का काफिला जब चलता था तो काली वर्दी में उसके सेवादार उसकी सुरक्षा करते थे, इसके अलावा पुलिस की तरह वर्दी में उसके पहले डी को घेरा गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आने के बाद जो मुझे लोगों ने बताया है कि भीड़ चाहे 10,000 की हो, 50,000 की हो या 5 लाख की हो, बाबा के कार्यक्रम में मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, क्योंकि बाबा को डर था कि उसके बाबा सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहता था, बाबा भक्तों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहता था, और इसीलिए कोई बड़ी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया गया है, कोई महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की गई है, और इसी बात का ख्याल हर सेवादार रखता है। जिस शख्स ने हमें ये वीडियो दिया है, जैसे ही वो वीडियो बनाता है सेवादार की नजर उस पर आती है, आखिरी हिस्से में आप देखेंगे वो सेवादार दौड़ कर जाता है और मोबाइल के वीडियो को बंद करा देता है। और हमें दर्जनों ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बताया है कि बाबा के कार्यक्रम में मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो बाबा को डर किस बात का था? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बाबा को पहले से पता था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? बाबा अपने खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, यही वजह है कि 50,000 से 5 लाख की भीड़ होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो वीडियो बनवाना अलाउ नहीं करता था, और हर सेवादार इस बात का पूरा ख्याल भी रखता था। सुरभि, बिल्कुल विपिन, तो बाबा की मंशा को लेकर ही अपने आप सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाबा आखिर क्या छुपाना चाहता था, क्यों कोई भी मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, लाखों की भीड़ वहां पर होती थी, लेकिन कैसे बाबा के सेवादारों का अंकुश नियंत्रण वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं पर होता था, ये वीडियो उसकी पूरी वानगी बताता हुआ नजर आ रहा है। विपिन चौबे ने वहां पर मौजूद लोगों से भी बात की है, भगदड़ को लेकर उनका क्या कहना है ये आप सुनिए। आप लोग कल थे यहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ है, क्या सुना, क्या देखा, कुछ बताना चाहेंगे? नाली में डरे आदमी, भीड़ के मारे दब गए आदमी। हाँ। और यहाँ से आदमी जब चले तो भीड़ के रेला के टक्कर में जो जनानी आदमी बच्चे नीचे दब गए थे। हाँ, हाँ। और यहाँ पुलिस प्रशासन था ही नहीं। हाँ। बाबा यहाँ पे बैठे थे, बाबा देखने के बाद में वो अपने प्रवचन देने के बाद में चले गए, वो गाड़ी निकले तैसे, उसके बाद में भीड़ भाड़ में धक्का से वो धक्के से लोग दबकर मर गए। बाबा के लिए आने का इंतजाम अलग, जाने का इंतजाम अलग, टॉयलेट का इंतजाम अलग, बैठने का इंतजाम अलग, आराम करने का इंतजाम अलग, लेकिन जनता के लिए कोई इंतजाम नहीं। जनता के लिए चौड़ा था। हाँ। क्लियर, सीधे आप रास्ते से आइए और रास्ते पर जाइए, कोई टॉयलेट नहीं, कोई खाना नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सुविधा थी, कोई इंतजाम नहीं, कोई सुध लेने वाला था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। आपका कोई फोन भी आ गया तो फोन भी नहीं चलाने को यहाँ मिल रहा है, फोन भी छीना करते थे, फोन भी जैसे वीडियो बना रहे हैं हम। हाँ। तो उस चीज में फोन भी छीना गया। अच्छा। उनके पास मात्र कमांडो थे, उनके बाबा जी के सारे, बाबा की सुरक्षा के लिए कमांडो थे। हाँ, उन्हीं के कमांडो थे बाबा जी के, और कोई फोर्स, कोई पुलिस, कोई भी चीज नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी, मात्र बाबा की पूरी फोर्स पुलिस वो ही लग रही थी, बाबा जी के कार्य कमांडो। आपने किसी दोस्त का यार का फोन आ गया, दिखा दिया कि ऐसे हो रहा है, तो फोन भी बंद कर लेते। बाबा इतना सिक्रेसी मेंटेन करते थे कि उनके प्रवचन का, उनके पंडाल की कोई तस्वीर ना बने। क्यों, बाबा जानते थे ऐसा कुछ हो सकता है? क्या बाबा डरते थे कैमरों से? पता नहीं है क्या, जानते होते तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। अगर इतने ही जानकार होते तो फिर वो ना होते ऊपर वाले। और मैं कितनी भीड़, अच्छा ये बताइए आप लोग एक अंदाजे से बताइए कितनी भीड़ रही होगी? कम से कम 5 लाख भीड़ होगी। 5 लाख आप कह रहे हैं, हम आधी भी मान लेते हैं, अगर 2 लाख भी भीड़ थी तो 2 लाख 1.5 लाख पे कितनी पुलिस रही होगी? पुलिस प्रशासन तो कम था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया था, उनके बाबा 10-15 पुलिस थी बस, ज्यादा नहीं, उससे अलावा नहीं, उससे अलावा नहीं। 50,000 भी भीड़ मान ले तो क्या 50,000 की भीड़ को 15 पुलिसकर्मी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ दादा, नहीं, पुलिस वाले ज्यादा नहीं थे, पुलिस प्रशासन बहुत कम था, बहुत कम था, बहुत कम था। बाबा ने भी कोई इंतजाम नहीं किया था अपने लोगों के लिए? बाबा ने अपनी सुरक्षा कमांडोज के जरिए कर ली। हाँ, लेकिन पब्लिक कैसे आएगी, कैसे डिसिप्लिन रहेगी, कैसे बैठेगी, कैसे निकलेगी? उनके कर्मचारी इंतजाम था, उनके उन्हीं के कर्मचारी थे, बाबा के साथ वाले, बाबा के साथ वाले जो बाबा के लिए इंतजाम कर रहे थे। पब्लिक के लिए कोई इंतजाम था? कोई नहीं था, वो चौड़े में थी पब्लिक, पब्लिक चौड़े में खुले आसमान के नीचे, पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने बोला था तो वो पुलिस प्रशासन डीएम से एसडीएम से लिखवाया था, वो कुछ नहीं आया था यहाँ पर, कोई पुलिस वाला नहीं था, अगर पुलिस प्रशासन होता तो इतना हादसा होता ही नहीं।
अगर पुलिस प्रशासन होती तो पहली चूक आप लोग मानते हैं कि जिला प्रशासन की है, पुलिस की है? पुलिस की है और किसकी है? पूरी तरह से। तो आप समझ सकते हैं ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं, ये वो वीवीआईपी तस्वीरें हैं, वो ये वो वीवीआईपी मंच है, ये वो वीवीआईपी पंडाल है जहां से बाबा प्रवचन कर रहे थे। और इसके अलावा वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई जिसको देखकर आपका दिल भर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं, दूध की बोतलें हैं, बहुत कुछ ऐसा है, यकीन मानिए, जो देखकर यह लग रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई होगी। और फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, बाबा की तलाश की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि आज दोपहर लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे, तमाम बड़े अधिकारी कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन और क्या इतनी कवायद से ये जाने वापस लाई जा सकती है? कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, हाथरस उत्तर प्रदेश। किसे इस वक्त सीधी तस्वीरें और मामले को लेकर जांच के बारे में तो जानकारी दे रहे हैं, पुनीत भी लगातार मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, और अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी शिवांग भी मौजूद है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका जिक्र इस वीडियो के आखिर में विपिन कर रहे थे, क्योंकि इसी बात का वो जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई इस पूरे एरिया की, इस पूरे इलाके की तस्वीर कैमरे में कैद करने की कोशिश करता तो उसे उसी वक्त आकर रोक दिया जाता। ये देखिए, हाथों में डंडा लिए एक शख्स यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और कोई पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि वहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर बाबा के लिए इंतजाम किए गए थे, उसी में से एक सेवादार है, वो सेवादार जिसने आते ही उसे वीडियो बनाने से रोक दिया। तो ये तस्वीर उस सेवादार की सामने आ रही है जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और ये आपको हम ये भी बता दें, आपको इस बीच हम ये भी बता दें, ये वही सेवादार है जो उस रूट की तरफ खड़ा था जहां से बाबा ने आना होता था। ये नारायणी सेना जो बाबा की है